चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, सभी लोग लाइक कर दें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके 1975 में किया गया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के गठन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? चलिए जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, रामपुर। ठीक है, रामपुर ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित है? फुर का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके लखनऊ में। कहाँ पर है? आपके लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, ये कहां पर आपकी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके रामपुर में। ठीक है, कहां पर है? रामपुर में। याद रखिएगा कि ये जो आपकी नक्षत्रशाला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, यही इसका नाम कह सकते हैं कि जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला था, इसी का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है कहाँ पर? तो याद रखिए, हमने आपको कई बार बताया है कि कानपुर में बहुत सारी आपकी कंपनियां हैं जिनका पानी गंगा में जाता है, जिसके कह सकते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन राइट आपका सिक्स का हो जाएगा ये नंबर, कानपुर से प्रयागराज के मध्य में सर्वाधिक बीओडी मिलता है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, विज्ञान नगरी अवस्थित है। विज्ञान नगरी बताना है, विज्ञान नगरी बताना है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके कानपुर में विज्ञान नगरी अवस्थित है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? आईटी की, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आठ का जवाब हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर, आपके लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? नाइन का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके लखनऊ में की गई है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वो आपकी जगह कौन सी है? उत्तर प्रदेश भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है, 10 को ऑप्शन राइट आपका जवाब ये हो जाएगा, आपके प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैविक प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैविक पूछा है, जैविक राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहां पर आपका 11 ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, सभी के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल काफी अच्छी तैयारी हो चुकी है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है, यहां पर 12 में देखना है। पहला दिया है खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण, ये जो आपके कहां पर है? तो ये आपके है लखनऊ में है। ठीक है, खाद्य पार्क आपके नोएडा में है, सरदार जब वल्लभ भाई पटेल कृषि आपके मेरठ में है, और भारतीय दलहन शोध संस्थान आपके कहां पर है? तो ये आपके है कानपुर में। आपको बता दें इस प्रश्न के चारों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन सही हैं, कोई प्रश्न आपका गलत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कॉपी में ये प्रश्न आपका गलत दिया गया है, उसमें से ए आपका दिया गया है, जबकि करंट अफेयर में अगर पढ़ेंगे तो अभी यहाँ पर कह सकते हैं इसके बारे में ट्वीट किया गया है, जो आपके कह सकते हैं लखनऊ में है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बरेली हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। जवाहर तारामंडल देना है,
चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं यहाँ पर, 12 का जवाब यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट यहाँ पर। चलिए उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल, चलिए सही है यहाँ पर सभी के जवाब। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर सी नंबर आपके इलाहाबाद, ये कह सकते हैं आपके प्रयागराज में, ठीक है, वो नंबरिंग में आपकी त्रुटि थी। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, प्रतिशत के हिसाब में पूछा गया है, और प्रतिशत के हिसाब में ये आपका कौन सा है, तो आपका सोनभद्र है। याद रखिए प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जो आपकी है सोनभद्र में मिलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, इसका भी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र ही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जवाब देते चलिए फटाफट। अगला है सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला आपका कौन सा है, तो यहाँ पर याद रखिए आपका जो बागपत है, ठीक है, बागपत में आपकी सबसे कम अनुसूचित जनजाति है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, देखिए 72 का जवाब देना है, चलिए माफ करिए यहाँ पर 4 का जवाब देना है, यहाँ पर आपका 4 का ऑप्शन राइट आपकी थारू जनजाति। याद रखिए आपके प्रदेश में मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो आपकी है वो कौन सी, तो आपकी थारू जनजाति है, ठीक है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है, यहां पर आपसे पूछा है सही सुमेलित, तो देखिए यहां पर दिया है खरवार, दिया है ललितपुर में, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि खरवार जनजाति जो आपकी है वो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर में पाई जाती है, ना कि ललितपुर में, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा दिया है भोक्सा जो कि आपके बिजनौर में है, तो आपका जवाब यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो भोक्सा जनजाति है बिजनौर में निवास करती है, ठीक है। और याद रखे जो भोक्सा जनजाति है ये धान की खेती के लिए बहुत प्रचलित है, ये धान की खेती बहुत ज्यादा करती है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें कि जो आपकी बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति आपकी बहराइच में नहीं है, ये आपके सोनभद्र में पाई जाती है, ठीक है। और थारू जनजाति जो आपकी है ये आपके तराई क्षेत्र में जो कि आपके महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर में ये आपकी पाई जाती है, इस कारण से आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिए केंद्र सरकार ने क्या किया था, 10 नई जनजातियों को यहाँ पर सूचीबद्ध किया था, जो कि ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, 2003 में, ठीक है, 2003 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि परहिया जनजाति निवास करती है, परहिया जनजाति निवास करती है, ये आपके कहाँ पर करती है, याद रखिएगा आपके सोनभद्र में, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, सोनभद्र में करती है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के। अगला प्रश्न आपका है कि थारू समाज में निम्न से किस प्रकार का परिवार पाया जाता है, जो थारू जनजाति है जो कि यूपी में आपकी सर्वाधिक पाई जाती है, ये जो आपकी है किस प्रकार के परिवार में रहते हैं, इनका जो कह सकते हैं ये किस प्रकार का है, तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, मातृसत्तात्मक होती है, मातृसत्तात्मक, ऑप्शन आपका यहाँ पर 8 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगरिया जनजाति निवास करती है, अगरिया जनजाति निवास करती है, ये आपकी करती है कहाँ पर, तो आपके सोनभद्र में। जब कोई आपको आंसर ना आए तो सीधा आंसर आप सोनभद्र लगा दीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम आपको वहीं पर देखने को मिलती है, लेकिन तुक्का भी ऐसे मत लगा देना कि बिल्कुल से आंख मूंद के लगा दे, समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कर्मा किसका लोक नृत्य है, कर्मा किसका लोक नृत्य है, मतलब जो कर्मा आपका है ये कौन सी जनजाति के लोग करते हैं नृत्य। चलिए यहाँ पर आपका 10 का जवाब, 10 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, आपकी खरवार जनजाति द्वारा कर्मा आपका किया जाता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है, दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है किस जनजाति के द्वारा। चलिए सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, काफी हद तक देखा जाए तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आपका याद हो जाएगा आपका ए नंबर थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक को मनाती है, ठीक है, शोक मनाती है। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है बताना है, चलिए यहां पर आपका सही जवाब देना है, यहां पर याद रखिए देखो भुक्सा जनजाति आपके कहां पर है, बिजनौर में है, ठीक है, बिजनौर में है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है
कि निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? सर्वाधिक जनसंख्या वाली यहां पर आपका पूछा गया है, और यहां पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? यहां पर 13 को ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहां पर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर जो आपकी है, कौन सी थारू जनजाति है, जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है? किसकी जनसंख्या सर्वाधिक आपकी है? तो 14 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहां पर आपका हो जाएगा बी नंबर, थारू जनजाति। लगभग देखा जाए तो यही एक दो जनजाति से क्वेश्चन आपके ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया, तो इसका भी जवाब आप आसानी से दे सकते हैं क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा 2003 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बिजनौर जिले में निवास करती है या आपकी कौन सी है? तो आपकी भोक्सा जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? भोक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखिए आपकी बिजनौर तो है ही, तो सीधा सा आंसर आप लगा सकते हैं कि आपके बिजनौर और आगरा क्षेत्र में पाई जाती है भोक्सा जनजाति, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका भी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ए नंबर। ठीक है, यहां पर देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन दो तीन ही प्रश्न पूछे हैं, घुमा फिरा कर वही आपके क्वेश्चन आए हैं, इससे आपका रट गया होगा। कह रहा आपसे परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई थी, परिवार नियोजन बीमा योजना जो आपकी शुरू की गई थी ये आपकी कब शुरू की गई थी? चलिए यहां पर वन का जवाब तो याद रखिएगा 2005, कौन से 30 दिसंबर 2005 से परिवार नियोजन बीमा आपकी शुरू की गई थी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ ये कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पर 2 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल पास पास की हैं, थोड़ा परिवर्तन आपको है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, यहां पर कह रहा है आपसे कि लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितनी प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांगों के लिए है? जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो सीटें आरक्षित की गई हैं ये आपकी सीटें हैं आपकी 50%। 3 का ऑप्शन राइट, आपका सी हो जाएगा 50%। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, स्वाधार योजना संबंधित है, स्वाधार योजना संबंधित है या आपके किससे संबंधित है? 4 का जवाब हो जाएगा, स्वाधार योजना होती है आपके संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना ये स्वाधार योजना का संबंध है। ठीक है, या उद्देश्य है कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से दृष्टि बाधितों के विद्यालयों को कहाँ कहा जाता है? याद रखिए दृष्टि बाधितों के विद्यालयों को कहा जाता है, कह सकते कहा जाता है, ये आपका होता है स्पर्श। ठीक है, इसे बोलते हैं स्पर्श। याद रखिएगा कि जो आपके दृष्टि वाले हो, मतलब कह सकते हैं जिनको दिखता नहीं है, वो लोगों के लिए कॉपी भी होती है, इस प्रकार से पॉइंटर होती है, वो हाथ को ऐसे लगाकर पहचान लेते हैं, इसीलिए ब्रेल लिपि ने आविष्कार किया था इनको पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है, इसलिए ब्रेल जो आपका होता है लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? आश्रय बीमा योजना, आश्रय बीमा योजना ये है आपके बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये था आपका आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, ये जो उपलब्ध कराती है ये कराती है पेंशन तथा बीमा। तो याद रखिए पेंशन और बीमा दोनों को ही लाभ उपलब्ध कराती है जो आपकी कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये प्रश्न आपका काफी बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि दृष्टि बाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है?
अभी हमने आपको बताया था कि जो दृष्टि बाधित होते हैं उनको पढ़ने वाली लिपि होती है उसे ब्रेल लिपि बोलते हैं, और ब्रेल लिपि प्रेस जो आपका स्थापित है ये स्थापित है आपके कहां पर, तो आपके लखनऊ में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है, काफी अच्छा प्रश्न आपका है, यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, ग्रीन कार्ड योजना, ग्रीन कार्ड योजना ये आपके है ऑप्शन डी परिवार नियोजन से है, याद रखिए 9 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, परिवार नियोजन से संबंधित है ग्रीन कार्ड योजना। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक संकेंद्रीकरण कहाँ है, मतलब कि जो आपके अल्पसंख्यक लोग हैं सर्वाधिक लोग जो घनी बस्ती में या पास पास में है संकेंद्रण है ये आपका कहाँ पर है, तो आपके ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके रामपुर में है, ठीक है रामपुर में है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है, याद रखिए कौन सी केंद्र सरकार की योजना नहीं है, तो याद रखिए अभी आपने लॉकडाउन में पढ़ा होगा कि मनरेगा केंद्र सरकार के द्वारा आपका चलाया गया, इतने करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया है ना, वहीं पर आप देख सकते हैं जो आपकी है ग्राम स्वास्थ्य मिशन ये भी है, जवाहरलाल नेहरू ये भी है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे ये आपके उत्तर प्रदेश की है, इस प्रकार से बी, इस प्रकार से सी जो आपका सी है ये केंद्र सरकार की नहीं बल्कि राज्य सरकार की योजना है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि जो SC ST अत्याचार अधिनियम बना था, SC और ST अत्याचार जो अधिनियम बना था ये आपका कब बना था, तो याद रखिए ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, 1990 में SC और ST अत्याचार अधिनियम बना था। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया ये कब किया गया, चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 13 का ऑप्शन राइट आपका यहां पर आपका हो जाएगा सी नंबर, 1993 में उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जो आपका राज्य पिछड़ा वर्ग है 1993 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है, समेकित बाल विकास परियोजना, याद रखिए अब आप लोग जो लेखपाल की जैसे तैयारी कोई करते हैं ना वैसी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है यहाँ पर 14 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, आपके 1975 से, ठीक है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कब, मतलब विलय कर कौन योजना शुरू की गई, याद रखिए जो आपकी काम के बदले अनाज था और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार इनको विलय कर दिया गया, एक में कर दिया गया और बनाई गई आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ऑप्शन आपका यहां पर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सबसे कम प्रतिशत कहां पर है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सबसे कम प्रतिशत जो आपका है यह आपके कहां पर है, 16 का जवाब देना है, 16 का जवाब देना है, याद रखिए आपके बागपत में है, ऑप्शन आपका 16 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रांतीय रक्षक दल PRD का गठन कब किया गया, प्रांतीय रक्षक दल का गठन कब किया गया था, याद रखिए 1947 में, ठीक है 1947 में प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई, प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई ये जो आपकी शुरू की गई है वो आपकी 1999 से 2000 के बीच में प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना आपकी शुरू की गई, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वंदे मातरम योजना संबंधित है, वंदे मातरम योजना संबंधित है ये आपके संबंधित है आपके स्वास्थ्य से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्वास्थ्य से संबंधित है वंदे मातरम योजना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 3 चैप्टर आपके कंप्लीट किए हैं, थोड़ा सा फास्ट रहते हैं क्योंकि आप लोगों को इतना आता है, इतना हमने पढ़ा दिया है।